So hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. So यार finally our exams are over. जिसकी आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, इतने टाइम से आप प्लानिंग कर रहे थे, इतने आप मेहनत कर रहे थे, वो एग्जाम्स अब फाइनली ओवर हो चुके हैं. एंड आई होप सो कि आपने जितना हसल किया था, जितनी आपने मेहनत की थी, आपके एग्जाम्स उसके अकॉर्डिंग ही गए होंगे. तो यार कुछ भी नहीं, सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज करो और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो कि आपके इस बार के एग्जाम्स कैसे गए, चाहे अच्छे गए हैं, चाहे बुरे गए हैं, चाहे एवरेज गए हैं, डजंट मैटर. बट आप अभी के अभी वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप अपना फीडबैक दो, अपना रिव्यू दो कि इस बार का एग्जाम कैसा आया था और आपका एग्जाम कैसा गया. फीडबैक डाल दिया, चलो ये तो हो गई एक बात. तो यार अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्री प्लानिंग कर रखी थी कि यार एग्जाम से पहले हमें ये करना है, हमें वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. बट अभी भी काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार एग्जाम्स तो हो गए बट अब क्या करना चाहिए हमें. काफी स्टूडेंट्स का दिसंबर 2022 अटेम्प्ट भी है, आगे फर्दर एग्जाम्स भी है. और आई होप सो कि आपने जो अभी एग्जाम्स दिए हैं, जो अभी जून 2022 में आपने एग्जाम्स दिए हैं, अगर आपने फुल एफर्ट्स के साथ दिए हैं तो आई होप सो कि आपका क्लियर हो जाना चाहिए. देखो यार ये तो है सेकेंडरी बातें कि आपके फर्दर एग्जाम्स हैं, आपका एग्जाम्स अच्छा गया कि नहीं. अब जो होना था वो गया है, हो, अब आप कुछ नहीं कर सकते उसमें. तो अब आपको करना ये है कि 10 दिन तक, अब आने वाले 10 दिन तक पढ़ाई से कोई भी कनेक्शन नहीं रखना आपको. जो इतने दिनों से आप स्ट्रेस लेके बैठे थे, इतना प्रेशर लेके बैठे थे, अब उसको रिलीज करने का टाइम आ चुका है. इसलिए 10 दिन तक आपको पढ़ाई का नाम भी नहीं लेना. सी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि देखो आगे चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, आगे प्रेशर और इंक्रीज होगा, आगे स्ट्रेस और ज्यादा इंक्रीज होगा, कुछ भी कम नहीं होने वाला. तो यही आपके पास एक गोल्डन टाइम है, इसको अपना गोल्डन टाइम समझो. यही आपके पास ऐसा टाइम है जब आप खुद को रिलैक्स कर सकते हो, खुद को रेस्ट दे सकते हो. अगले आने वाले 7 दिनों तक 7 डेज तक आप ये भूल जाना कि आपने CS में एडमिशन भी ले रखा है. उसके बाद भी आप कुछ दिनों तक तो रेस्ट करना बट अपनी प्लानिंग के साथ. तब तक के लिए आपको जो खाना है वो खाओ, सोना है सो जाओ, घूमना है घूम के आओ. कई सारी पार्टीज आपकी ड्यूरिंग एग्जाम्स पेंडिंग हो चुकी होंगी, उनको कंप्लीट करके आओ. जो करना है वो करो, जो चीज आपको रिलैक्स कर सकती है, जो आपको रेस्ट दे सकती है वो काम आप करो विदाउट टेकिंग एनी अननेसेसरी टेंशन. बट मेरी एक बात याद रखना कि विद एवरी मूव, विद एवरी स्टेप देयर मस्ट बी एन अंडरलाइन प्लान. हर मूव के साथ, अपने हर स्टेप के साथ आपका एक अंडरलाइन प्लान होना जरूरी है. काफी डीप बात है, कई स्टूडेंट्स को समझ में आ भी चुकी होगी. देखो यार ये बात तो मुझे भी पता है कि हम कितना भी रिलैक्स कर ले, कितना भी हम खुद को रेस्ट दे लें, बट हमारा जो माइंड है, जो हमारा माइंड है वो हमेशा चलता ही रहता है 24 घंटे. ये कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है कि यार ये करें वो करें. तो यार इसे तो अपना काम करने दो बट आप खुद को रिलैक्स करो क्योंकि इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है. सीरियसली बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है. इसलिए आप तो करो फुल रेस्ट और इसको अपना काम करने दो. और अभी कुछ दिनों तक आपको ये सब चीजें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि यार ये EDP क्या चीज होती है, इसको कब करना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट की कोचिंग कहाँ से लें, नेक्स्ट ग्रुप की कोचिंग कहाँ से करें, हम नेक्स्ट ग्रुप की प्लानिंग कैसे करें. ऐसी कई सारे डाउट्स होंगे आपके मन में बट इन पे अभी ध्यान मत देना. इन पे हम एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तूफान तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं एक एक करके. अपनी आने वाली वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में आपके जितने भी डाउट है, मैं आपके जितने भी डाउट है सबको एक एक करके बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ. तो इन चीजों की आप टेंशन बिल्कुल मत लेना. और मैं एक पोल भी डाल दूंगा चैनल पर, आप बता देना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. सो यार चिल करो, फन करो और हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी अमेजिंग वीडियो के साथ, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, थिंक पॉजिटिव. देखो अब जो होना था वो हो गया है, टीचर्स ने अपना काम कर दिया था, आपने अपना काम कर दिया है. अब जो काम बचा है वो ICSI का बचा है. इसलिए आप अपने सर पे कोई भी बोझ मत लेना, जो आपने करना था वो आपने कर दिया है. इसलिए अब आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच, बाय.